बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? पिछले टॉपिक में हमने ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट पढ़ा था। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के अंदर हमने पढ़ा था फ्रंट ऑफ द हाउस, जिसके अंदर बैंक्वेट आता है, रेस्टोरेंट आता है, कॉफ़ी शॉप आती है, रूम सर्विस आता है, बार आता है, ये फ्रंट ऑफ द हाउस होते हैं। आज हम पढ़ेंगे बैक ऑफ द हाउस। बैक ऑफ द हाउस में क्या होता है? सबसे पहले बैक ऑफ द हाउस जो मैनेजर होता है, मैनेजर के बराबर पोस्ट होती है एग्जीक्यूटिव शेफ़ की। एग्जीक्यूटिव शेफ़ जो होता है वो मैनेजर के बराबर पोस्ट होती है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव सू शेफ़ आता है कि दूसरे दर्जे का शेफ़ होता है। अच्छा, इसके अंदर बैक ऑफ द हाउस जो होता है उसके अंदर हमारे पास क्या क्या होता है? उसके अंदर सबसे पहले एक आता है बुचर शॉप आता है, जिसके अंदर टोटल गोश्त का काम हो रहा होता है। मतलब उसके अंदर गोश्त, चिकन का, मीट का, उसके बाद बुचर शॉप के अंदर उसके बाद होता है फ़िश का काम, ये जितना भी सी फूड का काम होता है ये बुचर शॉप के अंदर होता है। उसके बाद हमारे पास आता है हॉट किचन। हॉट किचन के अंदर जो भी खाने बन रहे होते हैं, मेन डिश जो बन रही होती है, ये हॉट किचन के अंदर बन रही होती है। उसके बाद हमारे पास आता है कोल्ड किचन। कोल्ड किचन के अंदर हमारे पास जो होता है वो सैलड बनते हैं, सैंडविचेस बनते हैं, और जितनी भी मतलब कोल्ड रहने वाली डिशेज़ हैं, कोल्ड रहने वाली आइटम्स हैं, वो कोल्ड किचन के अंदर बनती हैं। इसके अलावा हमारे पास आता है पेस्ट्री शॉप। पेस्ट्री शॉप के अंदर केक हो गया, ब्रेड होगी, और उसके अलावा जितनी भी स्वीट की डिशेस होती हैं वो हमारी पेस्ट्री शॉप के अंदर आती हैं। उसके बाद हो गया स्टिवडिंग, जिसको डिश वॉशिंग भी कहा जाता है। डिश वॉशिंग के अंदर जितना भी बर्तन होता है, वो चाहे शीशे का हो, कांच का हो, स्टील का हो, उसके अंदर सारा वो स्टिवडिंग के अंदर आता है। बुचर शॉप के अंदर स्टाफ कौन कौन सा होता है, नेशन क्या होती है? जैसे हमने फ्रंट ऑफ द हाउस में पढ़ा है, वैसे ही हम आपको बैक ऑफ द हाउस के अंदर आपको बता दिया है कि बुचर शॉप होता है, हॉट किचन होता है, कोल्ड किचन होता है, पेस्ट्री शॉप होती है और स्टिवडिंग होती है। ये जो टॉपिक आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला ये आपके बहुत काम आने वाला है। आप हमारे साथ रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि क्या चीज़ आपको और मज़ीद चाहिए हमसे। मतलब ये चीज़ें आप जो आपको पढ़ा रही हैं, इंशाल्लाह ताला आपको इसके बाद किसी और जगह पे किसी कोर्स करने का। सबसे पहले आता है बुचर शॉप। बुचर शॉप के अंदर जो हेड होता है, हेड बुचर होता है, हेड बुचर होता है, हेड बुचर को कहते हैं डिपार्टमेंट इंचार्ज, मतलब को सेक्शन इंचार्ज होता है, उसको हम हेड बुचर कहते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है असिस्टेंट हेड बुचर। असिस्टेंट हेड बुचर जो होता है वो दूसरे दर्जे का शेफ होता है। उसके बाद आता है बुचर, जो मतलब सीख गया होता है, दूसरे दर्जे से कम होता है। उसके बाद आता है हमारे पास कॉमीज। कॉमीज वो होते हैं जो ट्रेनिंग के लिए लड़के आए होते हैं, उनको कॉमीज बोला जाता है। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर आता है हॉट किचन। हॉट किचन के अंदर जो सेक्शन इंचार्ज होता है, ये चीज़ ज़ेहन में रखिएगा, ये थोड़े डिफरेंट आएगा कि बुचर शॉप के अंदर हेड बुचर आएगा जो इंचार्ज होगा शेफ़। उसके बाद हॉट किचन के अंदर शेफ़ दी पार्टी आएगा, शेफ़ दी पार्टी सेक्शन इंचार्ज को कहते हैं शेफ़ दी पार्टीज। उसके बाद डेमी शेफ़ आता है, जो असिस्टेंट हेड बुचर होता है उसके इक्वल होता है डेमी शेफ़, यानी कि ये दूसरे दर्जे का शेफ़ होता है, इंचार्ज से दूसरे दर्जे का शेफ़ होता है डेमी शेफ़। उसके बाद बोला जाता है कुक टू, जो उससे कम होता है, यानी कि डेमी शेफ़ से थोड़ा सा कम डेजिग्नेशन होती है। और उसके अलावा कुक वन आता है, जो बिल्कुल नए लड़के होते हैं, जो ट्रेन थोड़ा सा ट्रेन हुआ होता है, उसको कुक वन कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा कोल्ड किचन नंबर तीन के अंदर आता है। अच्छा, कोल्ड किचन में जो सेक्शन इंचार्ज होता है उसको कहते हैं
गार्डी मैनेजर, यहाँ पे हॉट किचन एसडी पार्टी, बुचर शॉप में हेड बुचर, और कोल्ड किचन के अंदर गार्डी मैनेजर कहा जाता है जो सेक्शन इंचार्ज होता है। डेमी शेफ कहा जाता है दूसरे दर्जे के शेफ को, कुक टू कहा जाता है अपना जो ट्रेंड होते हैं, उसके बाद जो कम ट्रेंड होते हैं उसको कुक वन कहा जाता है, और या आप समझ लें कि कुक वन उसको कहा जाता है जो बिल्कुल नए लड़के होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नंबर चार, पेस्ट्री शॉप। पेस्ट्री शॉप के अंदर पेस्ट्री शेफ कहा जाता है जो सेक्शन इंचार्ज होता है, उसको पेस्ट्री शेफ कहा जाता है। उसके बाद डेमी शेफ कहा जाता है जो दूसरे दर्जे का शेफ होता है। उसके बाद कुक टू हमने इसमें पढ़ा है, हॉट किचन में और कोल्ड किचन में, और बुचर हमने पढ़ा है बुचर शॉप के अंदर। अच्छा, बेकरी शॉप के अंदर जो है, बेकरी के अंदर बेकर टू पढ़ेंगे हम इसको कुक टू नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो बेक बनाते हैं, स्वीट बनाते हैं, बेक की चीज़ें करते हैं, तो उसको बेकर टू बोला जाएगा। और जो उससे नीचे दर्जे का होगा उसको कुक वन बोला जाएगा। जो बिल्कुल ट्रेन होंगे, जो स्वीट बनाएंगे, वो कॉमीज बोला जाएगा, जो नए लड़के ट्रेनिंग होंगे। स्टीवनिंग के अंदर इस स्टीवनिंग के इंचार्ज को बोला जाता है, डिपार्टमेंट के इंचार्ज को बोला जाता है चीफ स्टीवर्ड, चीफ स्टीवर्ड। उसके बाद इसको बोला जाता है, जो उसके नीचे आता है उसको बोला जाता है सुपरवाइज़र। और उसके बाद जो बोला जाता है, जो काम करने वाले जो नए ट्रेन लड़के होते हैं, अनट्रेन लड़के होते हैं, उनको बोला जाता है स्टीवर्ड। तो ये आमतौर पर जो मोबाइल जगह होती है ना, मोबाइल हरकत करने वाली जगह होती हैं, उनके अंदर ये काम करते हैं ये लोग। मसलन हवाई जहाज़ हो गया, ट्रेन हो गया, और किसी अपना बस हो गया, जो आमतौर पर बहुत अच्छी बस होती है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 5 स्टार के ऊपर के लेवल की बात, तो मतलब किसी बस के अंदर हो गया, किसी ट्रेन के अंदर हो गया, हाई लेवल पे हवाई जहाज़ के अंदर हो गया, ये लोग वहाँ पे काम करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आज हमने पढ़ा है लेक्चर 8, बैक ऑफ दी हाउस। आगे इंशाल्लाह ताला आपको हम शेयर करेंगे आपके साथ और थ्योरी और रेसिपीज़। तो हमारे साथ रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।